अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपके स्क्रीन पे दिए गए इस रेड बटन पे क्लिक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन आएगा उसे भी प्रेस जरूर करें ताकि आप मेरे सारे नए वीडियोस को सबसे पहले देख सकें और ये बिल्कुल फ्री है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ DIY पोटैटो क्रीम, यानी होम मेड पोटैटो क्रीम। तो ये क्रीम आपके स्किन पिगमेंटेशन को दूर करता है, एक्ने पिंपल्स के जो मार्क्स होते हैं, निशान होते हैं पिंपल्स को, उसको दूर करता है और स्किन को लाइटन और वाइटन करता है। तो इस क्रीम को कंटिन्यूस 4 to 5 डेज लगाने के बाद आपको अपने फेस पर डिफरेंस दिखने लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्रीम को कैसे बनाना। तो इस क्रीम को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पोटैटो जूस। तो पोटैटो जूस यानी आलू का जूस बनाने के लिए हमें चाहिए एक मीडियम साइज़ पोटैटो, जिसे हम छील लेंगे यानी इसे पील ऑफ कर लेंगे। आलू के छिलके निकालने के बाद आप इसे कद्दूकस कर लीजिए इस तरीके से। तो पोटैटो स्किन के लिए इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें विटामिन सी है जो कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है और ये स्किन के इलास्टिसिटी को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और पोटैटो यानी आलू में पोटेशियम भी होता है जो कि स्किन को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। और इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ भी है जो स्किन को ग्लोइंग करता है, यानी स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करता है। और इवन आपके स्किन पे जो एक्ने पिंपल्स के मार्क्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, ये उसको धीरे धीरे दूर करने में भी हेल्प करता है। तो आलू को कद्दूकस करने के बाद इसे इस तरह से छन्नी से छान लीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जूस बिल्कुल तैयार है, इसको मैंने छान लिया है। तो चलिए अभी क्रीम बनाते हैं। तो इस क्रीम को बनाने के लिए आपको कम से कम 2 टेबलस्पून पोटैटो जूस चाहिए। फिर इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल ऐड करने के बाद आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, हाफ कटा हुआ लेमन ऐड कर सकते हैं अगर आपके स्किन पर सूट करता है तो। मैं इसमें लेमन जूस ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को स्किन पर लेमन सूट नहीं करता है। तो पोटैटो जूस और एलोवेरा जेल ऐड करने के बाद आपको ऐड करना है 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अभी हमें इसमें ऐड करना है एक विटामिन ई की कैप्सूल। तो इस क्रीम को बनाने के लिए हमें जो सारी चीज़ें ऐड करनी थी वो सारी कुछ ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से दिखेगी और इसका कलर भी कुछ इस तरह से दिखेगा, एज यू कैन सी। तो ये क्रीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अभी आप इसे एक क्लीन कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो आप इस क्रीम को 8 to 10 डेज तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर रख सकते हैं। ध्यान रखें आपको एयर टाइट कंटेनर में इसे स्टोर कर रखना है। तो ये तैयार है हमारी होम मेड पोटैटो क्रीम। तो इस क्रीम में हमने कोकोनट ऑयल और विटामिन ई कैप्सूल ऐड किया है क्योंकि कोकोनट ऑयल में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है और ये स्किन को मॉइस्चराइज करने में भी हेल्प करता है। और विटामिन ई कैप्सूल भी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये डैमेज स्किन सेल्स को रिपेयर करता है और एक्ने पिम्पल मार्क्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो अभी मैं आपको ये बताऊँगी कि इसे कब अप्लाई करना है। तो इस क्रीम को आप रात को सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करके 1 से 2 सेकेंड तक अच्छे से मसाज करिए जब तक आपके स्किन पे ये अब्सॉर्ब ना हो जाए। तो अगर आप इस क्रीम को दिन में लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आप इसको लगाने के बाद बाहर नहीं जाएं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।